नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ मार्केट्स के एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में मैं अभिषेक उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल आरबीआई की अगस्त 2023 की जो है बाई मंथली क्रेडिट पॉलिसी अनाउंस होने वाली है। मीटिंग की शुरुआत 8 अगस्त से हो गई थी, 3 दिन की ये मीटिंग रहती है। 6 मेंबर्स मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के 6 एक्सपर्ट बैठते हैं, जिसमें 3 मेंबर्स आरबीआई से होते हैं, आरबीआई के गवर्नर रहते हैं, डिप्टी गवर्नर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एक इकोनॉमी का एक्सपर्ट रहता है, एक स्टेट्स का एक्सपर्ट रहता है और एक मैनेजमेंट एक्सपर्ट रहता है। इस तरीके से 6 मेंबर्स की कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होती है और वो मेंबर्स यूनैनिमसली या वोटिंग के आधार पर डिसाइड करते हैं कि इंटरेस्ट रेट का क्या रिजीम रहना चाहिए आगे। तो कल जब इंटरेस्ट रेट का निर्णय होगा, किस तरीके का रह सकता है, वो सारी चर्चा आज के वीडियो में डिटेल में करने वाले हैं। इसके अलावा डेली की तरह निफ्टी बैंक निफ्टी की चाल की चर्चा करने वाले हैं, ग्लोबल मार्केट का पर्सपेक्टिव देने वाले हैं, साथ ही साथ आपको बताने वाले हैं कि क्यों मार्केट के अंदर पिछले 3 दिन से लगातार हम आपसे कह रहे थे कि निफ्टी की बात करें, लगातार 3 दिन की वीडियोस आप जाके हमारे देख सकते हैं कि हम आपसे साइडवेज टू फ्लैट ट्रेंड की बात कर रहे थे। और यही बेनिफिट होता है अगर आप मार्केट का मैक्रो इकोनॉमिकल एनालिसिस माइक्रो इकोनॉमिकल एनालिसिस करना जानते हैं, समझते हैं, तो आपको पता रहता है कि कब मार्केट के अंदर आपको सही पोजीशन लेना है और कब मार्केट के अंदर आपको कम क्वांटिटी के साथ में ट्रेडिंग करना है। कल मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी बन सकती है, जिस पिछले 3 दिन से बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स होंगे जो लगातार लॉसेस बुक कर रहे होंगे, ऑप्शन बाइंग कर रहे होंगे, ट्रेंड की तरफ भाग रहे होंगे। जब ट्रेंड अनसर्टेन है तो आपको पहले से मार्केट में ये पता होना चाहिए कि मार्केट के अंदर इतने इंपॉर्टेंट इवेंट्स आने वाले हैं। कल अमेरिका की इन्फ्लेशन का नंबर भी आने वाला है, तो अगर ऐसे इंपॉर्टेंट मैक्रो इकोनॉमिकल फैक्टर्स, माइक्रो इकोनॉमिकल फैक्टर्स, मार्केट के टेक्निकल इंडिकेटर्स, मार्केट के फंडामेंटल फैक्टर्स की डिटेल और सही एनालिसिस आप सीखना चाहते हैं तो आप सही जगह आ गए हैं। पावर ऑफ मार्केट को सब्सक्राइब करिए और हमारे जो पावर ऑफ मार्केट की फैमिली है उसके मेंबर बनिए और लगातार सारा कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम दे रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एफओएमसी क्या करता है, आरबीआई कैसे निर्णय लेता है। तो आरबीआई की अगस्त 2023 की क्रेडिट पॉलिसी आगे वीडियो में, तो इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं मार्केट से। तो दोस्तों, निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी का लॉन्ग टर्म का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, शॉर्ट टर्म का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, इंट्राडे बेसिस पे भी स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और पिछले 3 दिन से जो हमने आपको रेंज बताई थी मार्केट के अंदर वो अभी भी सैंक्रोसेंट है। 19425 का नीचे का सपोर्ट था जो मेंटेन है और ऊपर की तरफ 19700 का रेसिस्टेंस क्रॉस नहीं हुआ। तो कल के लिए जो पहला रेसिस्टेंस रहेगा वो 19700 का रहेगा और दूसरा जो आपको रेसिस्टेंस कल फेस होगा वो 19800 के आसपास रहेगा। नीचे की तरफ सपोर्ट की बात करें तो 19425 का पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट 19300 के आसपास बन रहा है। बैंक निफ्टी की बात करें, टेक्निकल सेटअप शानदार लग रहा है, लॉन्ग टर्म का स्ट्रक्चर भी पॉजिटिव है, शॉर्ट टर्म का स्ट्रक्चर भी पॉजिटिव है, इंट्राडे बेसिस पे भी आज अच्छी रिकवरी हुई है। पहला रेसिस्टेंस कल के लिए 45100 के आसपास बनेगा और दूसरा इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस 45300 के आसपास बनेगा। कल बैंक निफ्टी के ऊपर पूरे मार्केट के जो ट्रेडर्स हैं उनकी नजर रहेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा आरबीआई की पॉलिसी का जो असर है वो बैंक निफ्टी के ऊपर पड़ेगा, फिर एनबीएफसी सेक्टर के ऊपर पड़ेगा और इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर के ऊपर पड़ेगा, जिसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर, रियल एस्टेट जैसे दिग्गज मार्केट के डोमिनेंट सेक्टर है। तो दोस्तों, बैंक निफ्टी के अगर सपोर्ट की बात करें तो नीचे की तरफ 44500 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पिछले 3 दिन से हम बात कर रहे थे और आज भी आपने देखा होगा जैसे ही 44500 के नजदीक मार्केट आया, एक बाउंस, एक थ्रस्ट देखने को मिला, तो यही इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको मार्केट के अंदर आइडेंटिफाई करना सीखना है। तो 44500 का पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट और उसका 44250 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ग्लोबल मार्केट की बात कर लेते हैं, ग्लोबल मार्केट में यूएस मार्केट से स्टार्ट कर रहे हैं, डाउ जोन्स, नेस्टेक और स्टैंडर्ड एंड पुअर्स का जो ट्रेंड है आज का वो फ्लैट है। इसके बाद यूरोपियन मार्केट की बात करें, यूरोपियन मार्केट में एक शानदार रिकवरी देखने लगी मिली है, तो ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है इंडियन मार्केट के लिए और एशियन मार्केट से मिक्स टू पॉजिटिव सिग्नल है। तो ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि कल मार्केट के लिए जो है एक साइडवेज ओपनिंग हो सकती है और जब आरबीआई की पॉलिसी 10 बजे अनाउंस होगी उसके बाद में मार्केट के अंदर कुछ हलचल आ सकती है। तो चलिए अब सीधे आरबीआई की पॉलिसी की तरफ चलते हैं। तो पहली बात यह है कि आरबीआई की अप्रैल 2023 जो फाइनेंशियल ईयर 24 है उसकी पहली पॉलिसी अप्रैल 2023 में, उस समय भी हमने आपको प्रेडिक्शन दिए थे कि रेपो रेट अनचेंज रह सकता है और उसी हिसाब से निर्णय हुए थे। तो पहली पॉलिसी जब अप्रैल में आई थी रेपो रेट अनचेंज था 6.5% पे, दूसरी पॉलिसी जून में आई थी उसमें भी हमने आपको अपनी फोरकास्टिंग दी थी कि रेपो रेट अनचेंज रह सकता है और अभी भी रेपो रेट, ये जो तीसरी पॉलिसी अगस्त में आने वाली है इसमें भी, चाहे रॉयटर्स के फोरकास्ट की बात करें, हमारा भी ऐसा मानना है कि ऐसा लग रहा है कि इस पॉलिसी में भी जो रेपो रेट है वो 6.5% पे अनचेंज रह सकती है। तो अब आपको यह समझना जरूरी है कि रेपो रेट अगर 6.5% पे है तो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी SDF की बात करें
तो एचडीएफ हमेशा आप ध्यान रखना रेपो रेट से 25 बेसिस पॉइंट के पे जो है नीचे रहता है। तो वर्तमान में जो एचडीएफ स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी ये 6.25% पे है। कैश रिजर्व रेशियो की बात करें तो कैश रिजर्व रेशियो 4.5% पे है, और अगर स्टैचुअरी लिक्विडिटी रेशियो की बात करें तो ये 18% पे है। तो अगर आप मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी की बात करें तो जो मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी है वो 6.75% पे। अब ये पांचों क्या होते हैं, इनको अगर आप समझना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में आप जाइए मैक्रो एंड माइक्रो ऑफ मार्केट्स में, उसमें आरबीआई के सारे वीडियोस आप देखिए, आपको ये सारे कॉन्सेप्ट बेसिकली सिंपल भाषा में हम कई बार समझा चुके हैं, इसलिए यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहे हैं। आप जाके समझ सकते हैं रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी क्या है, सीआरआर क्या होता है, इसका क्या इंप्लीकेशन है बैंकिंग सिस्टम में, ये सारी चीजें आपको समझना जरूरी है, क्योंकि इसी से आपको बैंकिंग सेक्टर, एनबीएफसी सेक्टर, उससे जुड़े हुए बीएफएसआई सेक्टर, इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर का अगर एनालिसिस समझना है और आपको उसकी मैक्रो इकोनॉमिक्स जो कॉन्सेप्ट है वो समझना है तो आपको ये सारी चीजें समझ में आना चाहिए। तो अब आरबीआई की पॉलिसी की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है जो इस पॉलिसी में डोमिनेंट रहेगा वो इन्फ्लेशन की बात। तो इन्फ्लेशन की अगर बात करें तो जून की इन्फ्लेशन की बात करें, जून 2023 में जो इन्फ्लेशन सीपीआई का नंबर था वो बढ़ के 4.81% आया था, और उसके पीछे मेजर कारण ये था कि जो फूड इन्फ्लेशन है उसमें स्पाइक अप हुआ था। इसके बाद में अगर मई की बात करें तो मई में जो है इन्फ्लेशन वो कम होकर 4.25% आया था, और अप्रैल में जो इन्फ्लेशन था 4.7% था। तो ओवरऑल इन्फ्लेशन चूंकि जून में बढ़ा है पर उस तरीके की बढ़ोतरी नहीं है जो मार्केट के अंदर एक एक्सपेक्टेशन थी, अभी भी जो इन्फ्लेशन है वो 5% के नीचे है। तो ऐसा लग रहा है कि ये एक इंपॉर्टेंट कारण बन सकता है कि आरबीआई इस पॉलिसी में भी स्टेटस को मेंटेन करेगा और थोड़ा वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना सकता है। दूसरा फैक्टर जीडीपी की बात करें तो जीडीपी में जो आरबीआई ने फोरकास्टिंग दी है वो 6.5% की है। मेजर जो भी ग्लोबल दिग्गज इंस्टीट्यूट है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, चाहे वर्ल्ड बैंक की बात करें चाहे IMF की बात करें, इनका सभी का मानना है कि भारत में जो फाइनेंशियल ईयर 24 जो वर्तमान फाइनेंशियल ईयर है उसमें जो जीडीपी की ग्रोथ है वो 6% से ऊपर हो सकती है। कोई 6.2% कह रहा है, कोई 6.1% कह रहा है, और आरबीआई का 6.5% के आसपास का है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आप जो ग्राफ हमने लगा उसमें देख सकते हैं। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा कल की पॉलिसी में। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि जो क्रेडिट ग्रोथ है, तो ऐसा मानना है कि बैंकों की जो क्रेडिट ग्रोथ है वो करीब करीब 12-15% के बीच में हो सकती है। अलग अलग रिपोर्ट्स की जब हम स्टडी कर रहे थे तो ऐसा लग रहा है कि जो क्रेडिट ग्रोथ है वो 12-15% के आसपास रह सकती है। और अभी एसबीआई के भी जो रिजल्ट्स निकल के आए थे उनकी तरफ से भी कहा गया था कि एसबीआई की भी जो क्रेडिट ग्रोथ है इस फाइनेंशियल ईयर में 15% के आसपास रह सकती है। तो काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छी क्रेडिट ग्रोथ इस फाइनेंशियल ईयर में मेंटेन रह सकती है। लिक्विडिटी की बात करें तो आपको ध्यान होगा कोरोना के समय पे जो है आरबीआई ने भी जो है लिक्विडिटी बढ़ाया था, और उसके बाद में फिर लिक्विडिटी को जो है टाइटनिंग करने का जो इनिशिएटिव आरबीआई ने लिया था आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि काफी टाइटनिंग हुई, और लिक्विडिटी अभी जो सिस्टम में अवेलेबल है वो एज पर दी रिक्वायरमेंट अवेलेबल है। चाहे हम कॉर्पोरेट लोन्स की बात करें, चाहे रिटेल लोन्स की बात करें, या जो एमएसएमई के पास जो फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है उसमें किसी भी तरीके की मेजर समस्या नहीं है। तो जो बैंकिंग ऑपरेशंस के माध्यम से लिक्विडिटी मेंटेन है तो ये भी काफी प्लस पॉइंट लग रहा है। तो ओवरऑल ये चारों फैक्टर इंडिकेट करते हैं कि कल की पॉलिसी में स्टेटस को मेंटेन रह सकता है। और कल की पॉलिसी जब निकल के आएगी तो हम आपको डिटेल में ये भी समझाएंगे कि अब जो ये पॉलिसी आई है ये किस तरीके की पॉलिसी आई है, कौन से मेजर की हाइलाइट्स हैं, और इसका बैंक निफ्टी के ऊपर, एनबीएफसी सेक्टर के ऊपर, फिन निफ्टी के ऊपर क्या असर पड़ सकता है, और ओवरऑल इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर और निफ्टी इंडेक्स के ऊपर क्या असर पड़ सकता है। तो कल के वीडियो का भी आप इंतजार करिए, कल जब पॉलिसी अनाउंस हो जाएगी उसके बाद में हम आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। आज का जो वीडियो आपने देखा उसके लिए मैं अभिषेक उपाध्याय आपका इधर से धन्यवाद करता हूं। थैंक यू।